Hello students, this is our video on solid state part 7. Part 6 में अपन one dimensional और two dimensional packing किस तरह की होती है वो देख चुके थे. Two dimensional में दो तरह की packing, square close packing और hexagonal close packing की हमने बात कर ली थी. इस वीडियो में अपन बात करेंगे three dimensional packing की. नेचर में जितने भी स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं, जितने भी सॉलिड्स अवेलेबल हैं, सब थ्री डायमेंशनल होते हैं. तो ऑल द रियल स्ट्रक्चर्स आर थ्री डायमेंशनल. और ये जो बनते हैं टू डायमेंशनल पैकिंग की जो लेयर्स होती हैं, उनको एक के ऊपर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अरेंजमेंट से हम जमाते हैं, तब जाके अलग अलग तरह की थ्री डायमेंशनल पैकिंग हमारे को मिलती है. तो कुछ पैकिंग्स की यहाँ बात करेंगे. जैसे फर्स्ट अपन बात करेंगे थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर. तो हमने 2D पैकिंग में 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखी थी. ये इस तरह की पैकिंग जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा हुआ है. सपोज आपके पास एक टेबल्स है और कुछ बॉल्स हैं. अगर आप बॉल्स को 2D स्क्वायर में जमाएंगे तो इस तरह की पैकिंग आपके पास आएगी, तो एक लेयर बन जाएगी. अब अगर आप चाहें तो एक और लेयर इसके ऊपर एग्जैक्टली इस बॉल के ऊपर दूसरी बॉल ऐसे जमा सकते हैं. और ऐसी लेयर्स को आप बार बार रिपीट करते जाओगे तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी. इस तरह के स्ट्रक्चर में जितने भी स्फीयर्स होंगे, सारी लेयर्स परफेक्टली अलाइन होगी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. तो इस तरह की पैकिंग को, सपोज ये जो फर्स्ट वाली लेयर है इसको मैं बोल रहा हूँ ए लेयर, इसी तरह से सेकंड वाली लेयर भी सेम हो जाएगी ए लेयर, ये भी सेम ए लेयर और ये भी ए लेयर. तो इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं ए ए ए टाइप अरेंजमेंट, ए ए ए टाइप अरेंजमेंट. और इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है वो प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस को क्रिएट करता है. प्रिमिटिव क्यूबिक हमने देखा था, एक क्यूब, इसमें हर कॉर्नर पर एक एक एटम अगर हम प्लेस कर दें तो इस तरह की यूनिट सेल को प्रिमिटिव क्यूबिक कहते हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये डायग्राम में दिखाने के लिए बॉल दूर दूर दिखाई गई हैं, एक्चुअली में ये ऐसा होता है. अगर आप यहाँ ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह का दिखाई देगा, ये चार बॉल्स इस तरह से टच है और ये चारों बॉल इस तरह से इसके नीचे से टच हैं. तो इस तरह की जो यूनिट सेल होती है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस. अगर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की हम बात करें, जैसे सपोज ये स्टार बॉल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो इससे कितने नियरेस्ट नेबर हैं, 1, 2, 3, 4, ये तो स्क्वायर में आ गए. एक और लेयर इसके ऊपर जमी होगी तो एक बॉल ऊपर से टच होगी, और एक और लेयर नीचे से जमी होगी तो एक बॉल नीचे से टच होगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 6. नेक्स्ट, अगर हम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट का यूज़ करें तो किस किस तरह के अरेंजमेंट हमारे पास बन सकते हैं उसकी बात हमें करनी है. जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने एक हेक्सागोनल 2D पैकिंग आपको दिखाई है. अगर हम ऐसी ही एक और लेयर ले लें तो हम यहाँ पर एक और लेयर को कैसे जमा सकते हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम आपको दिख रहा है. ये जो लाइट वाली बॉल्स हैं जो नीचे की तरफ आपको दिख रही हैं, ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट हेक्सागोनल 2D लेयर. और जो ये डार्क बॉल्स हैं ये सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर और ये है फर्स्ट लेयर. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सेकंड लेयर जो है फर्स्ट लेयर की बॉल्स को जमाने के बाद उनके जो डिप्रेशंस हैं, मतलब जो वॉइड क्रिएट हो रहे हैं, बीच में जो स्पेस आ रहा है उनके ऊपर हमने इस बॉल्स को जमाया है. सेकंड लेयर जमाने से दो तरह के वॉइड क्रिएट हो रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड की हमने बात करी थी कि अगर टेबल पर तीन बॉल्स इस तरह से जमाई जाए और उसके ऊपर एक फोर्थ बॉल जमाई जाए तो इन चारों बॉल के सेंटर को मिलाने से एक टेट्राहेड्रन बनता है और इसका जो होल होगा बीच में उसको टेट्राहेड्रल होल बोलते हैं. इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल की बात करी थी, तीन बॉल्स इस तरह से जमा लीजिए
और इसके ऊपर तीन बॉल्स इस तरह से जमा लीजिए, तो बीच में जो स्पेस क्रिएट होगा उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बॉल को ध्यान से देखिए, ये सेकंड लेयर की बॉल, ये भी सेकंड लेयर की बॉल और ये भी सेकंड लेयर की बॉल, और इसके नीचे फर्स्ट लेयर में है ये वाली बॉल। तो बीच में यहाँ पर जो वॉइड क्रिएट होगा वो कैसा होगा, वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें, जैसे आप इस बॉल को देखिए, ये सेकंड लेयर की बॉल, ये भी सेकंड लेयर की बॉल और ये भी सेकंड लेयर की बॉल, ये तीन बॉल्स। और फर्स्ट लेयर की बॉल देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट लेयर की बॉल, ये फर्स्ट लेयर की बॉल और ये भी फर्स्ट लेयर की बॉल। तो ये जो वॉइड क्रिएट होगा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। तो दो तरह के वॉइड यहाँ पर क्रिएट होते हैं। अब थ्री डायमेंशनल पैकिंग में अगर हम थर्ड लेयर इसके ऊपर अरेंज करें, तो थर्ड लेयर को अरेंज करने के लिए हमारे पास दो जगह होंगी, या तो हम थर्ड लेयर की बॉल्स को टेट्राहेड्रल वॉइड पर जमा सकते हैं या ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर जमा सकते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड पर जमाने से अलग अरेंजमेंट मिलेगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर जमाने से अलग अरेंजमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले तो कुछ यहाँ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं। तो किसी स्ट्रक्चर में जितने क्लोज पैक्ड स्फीयर्स होते हैं, जितने क्लोज पैक्ड स्फीयर्स होते हैं उतने ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और उसके डबल उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे कैसे होते हैं, इनको मैं आपको प्रूव कर दूंगा। तो अगर हम बात करें थर्ड लेयर की, थर्ड लेयर अरेंज ऑन सेकेंड लेयर, तो दो तरह के वॉइड हमारे पास आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करें तो किस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ ध्यान से देखिए आप। जैसा कि ये अपनी फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर में कुछ वॉइड थे टेट्राहेड्रल वॉइड और कुछ वॉइड थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हमने ये तीन बॉल्स इस तरह से यहाँ पर जमा दी, तो ये बी लेयर हो गई, ये ए लेयर, ये बी लेयर। अब हम अगर थर्ड लेयर, वापस डायग्राम पर जाते हैं, अगर हम थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड पर जमाते हैं, ध्यान से देखिए, थर्ड लेयर को मैं अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पर जमाऊंगा तो जो थर्ड लेयर आएगी वो एग्जैक्टली अलाइंड होगी फर्स्ट लेयर के। थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली अलाइंड ऑन फर्स्ट लेयर। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ए लेयर के ऊपर बी लेयर, फिर जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट वाले के साथ अलाइंड है, फिर बी लेयर वापस सेकंड लेयर के साथ अलाइंड है। तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। और अगर इस तरह की बॉल्स को जमाने के बाद इनके सारे सेंटर्स को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास इस तरह की यूनिट सेल आती है। इस यूनिट सेल को हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, मान लीजिए ये स्टार बॉल, इससे 6 बॉल तो ये टच हैं, 3 बॉल ऊपर टच हैं और 3 बॉल नीचे टच हैं, तो टोटल इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो हो गया 12। हर लेयर, ए लेयर के बाद बी लेयर, बी लेयर के बाद वापस ए लेयर रिपीट हो रही है, ए लेयर के बाद वापस बी लेयर रिपीट हो रही है, इसलिए इस टाइप की पैकिंग को हम ए बी टाइप पैकिंग भी बोलते हैं। मैग्नीशियम और जिंक के जो क्रिस्टल होते हैं वो इस तरह की पैकिंग को शो करते हैं नेचर में। नेक्स्ट टाइप है कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैं वापस डायग्राम पर जाता हूँ, ध्यान से देखिए ये डायग्राम। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करें, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर आप इस पर एटम जमाएंगे तो ये जो थर्ड लेयर है ना तो सेकंड लेयर के साथ अलाइनमेंट शो करेगी ना फर्स्ट लेयर के साथ अलाइनमेंट शो करेगी, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी फर्स्ट लेयर,
इसके ऊपर हमने ये सेकेंड लेयर जमाई जैसा कि अपन ने पहले देखा था। अब उसके ऊपर जो अपन ने थर्ड लेयर जमाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, ये थर्ड लेयर ना तो बी लेयर के साथ ना ए लेयर के साथ अलाइनमेंट है। अब वापस अगर हम वॉइड पर एटम जमाएंगे तो जो फोर्थ लेयर होगी वो फर्स्ट लेयर के साथ अलाइनमेंट शो करेगी। तो स्फीयर और फोर्थ लेयर आर अलाइंड विद फर्स्ट लेयर। तो ए लेयर के बाद बी लेयर, बी के बाद सी लेयर, फिर ए लेयर वापस रिपीट हो रही है। तो इस टाइप की पैकिंग को हम बोलते हैं ABC टाइप अरेंजमेंट, और इस तरह की पैकिंग को यहाँ बोला जाता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और अगर इस तरह के क्रिस्टल सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल FCC की तरह ही होता है। हमने पढ़ा था फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग FCC की तरह ही होता है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो भी 12 होता है। जैसा कि अगर अपन बात करें ये स्टार बॉल, इससे 6 बॉल्स टच है, 3 बॉल ऊपर और ऐसे ही 3 बॉल यहाँ पर नीचे, जब आप रखेंगे तो 3 बॉल ऐसे ही नीचे भी टच होगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। कॉपर और सिल्वर जो होते हैं ये नेचर में इस तरह का अरेंजमेंट शो करते हैं। थैंक यू।